हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। क्रिकेट दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे और पसंद किया जाने वाला प्रमुख खेलों में से एक है। पूरी दुनिया में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन ICC कराता है। बहुत सारे खिलाड़ी अपने देश के लिए क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इन्हीं खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए ICC खिलाड़ियों के प्रतिभा और इनके टैलेंट को बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए उन्हें सम्मानित करती है, जिसे ICC अवार्ड कहा जाता है। ICC द्वारा ICC अवार्ड की शुरुआत 2004 में की थी। यह अवार्ड खिलाड़ियों को महीने में, साल में इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम ICC के द्वारा कौन कौन से अवार्ड खिलाड़ियों को दिए जाते हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ICC के द्वारा मेंस और वुमेंस क्रिकेटर को दिए जाने वाला अवार्ड के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला अवार्ड ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है। यह अवार्ड ICC के द्वारा साल में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। इस अवार्ड में जो ट्रॉफी ICC के द्वारा दिया जाता है, उस ट्रॉफी को वेस्टइंडीज़ के पूर्व कप्तान सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी कहते हैं। इसी के नाम पर इस अवार्ड को दिया जाता है। साल 2021 में ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड पाकिस्तान के गेंदबाज शाहीन आफरीदी को दिया गया था, और 2021 में ICC वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड स्मृति मंधाना को दिया गया था। इसके बाद ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड आता है। यह अवार्ड ICC के द्वारा साल में टेस्ट क्रिकेट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। 2021 में ICC में टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो रूट को मिला था। इसके बाद ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड आता है। यह अवार्ड ICC के द्वारा साल में वनडे क्रिकेट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। ICC मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को, और ICC वुमेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज लीजे ली को दिया गया था। इसके बाद ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड का नंबर आता है। यह अवार्ड T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। साल 2021 का ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को मिला था, और साल 2021 का ICC वुमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड टेमी ब्यूमोंट को दिया गया था। इसके बाद ICC इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड आता है। यह अवार्ड ICC के द्वारा साल में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवा क्रिकेटर को दिया जाता है। साल 2021 में ICC मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर का अवार्ड साउथ अफ्रीका के ओपनर बल्लेबाज जानेमन मलान को दिया गया है, और ICC वुमेंस इमर्जिंग क्रिकेटर का अवार्ड पाकिस्तान के फातिमा साना को दिया गया है। इसके बाद ICC एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड आता है। यह अवार्ड ICC के द्वारा अपने टीम के लिए बेस्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। 2021 का ICC मेंस एसोसिएट क्रिकेटर का अवार्ड ओमान के कप्तान और ऑलराउंडर जीशान मकसूद को मिला है, और 2021 का ICC वुमेंस एसोसिएट क्रिकेटर का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के ओपनर खिलाड़ी आंद्रा माया जेपेदा को मिला है। इसके बाद ICC के द्वारा खिलाड़ियों को दिए जाने वाला अवार्ड प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड आता है। यह अवार्ड को ICC के द्वारा पहली बार जनवरी 2021 में दिया गया था। यह अवार्ड मेल और फीमेल क्रिकेटरों को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में महीने में बेस्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। मेन और वुमेन क्रिकेटरों में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 का अवार्ड जनवरी में मेंस में साउथ अफ्रीका के कीगन पीटरसन और महिला क्रिकेटर में इंग्लैंड के हैदर नाइट को मिला था। फरवरी में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मेंस क्रिकेटर में श्रेयस अय्यर और महिला क्रिकेटर में न्यूजीलैंड के अमेलिया केर को मिला था। मार्च में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मेंस क्रिकेटर में बाबर आजम और महिला क्रिकेटर में ऑस्ट्रेलिया के रिचल हाइनेस को मिला था। अप्रैल में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मेंस क्रिकेटर में साउथ अफ्रीका के केशव महाराज और महिला क्रिकेटर में ऑस्ट्रेलिया के एलिसा हेली को मिला था। मई 2022 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड
मेंस क्रिकेटर में एंजिलो मैथ्यूज को और महिला क्रिकेटर में पाकिस्तान के तुबा हसन को मिला था। जून 2022 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मेंस क्रिकेटर में जॉनी बेयरस्टो और महिला क्रिकेटर में मरी जाने काप को मिला था। इसके बाद ICC के द्वारा दिए जाने वाला ICC अवार्ड ऑफ द डिकेड का नंबर आता है। यह अवार्ड ICC के द्वारा बीते 10 सालों में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। यह अवार्ड ICC के द्वारा 2011 से 2020 में 10 सालों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड विराट कोहली को दिया गया है और ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड इलियास पेरी को दिया गया है। इसके अलावा स्पीड ऑफ क्रिकेटर अवार्ड ऑफ द डिकेड का अवार्ड MS धोनी को दिया गया है। इसके बाद साल में टेस्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ICC के द्वारा ICC मेन टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के रूप में टीम में चुना जाता है। ICC के द्वारा 2021 में ICC मेन टेस्ट टीम में दिमुथ कुन्नरत्ने, रोहित शर्मा, मानस लेबुसेचगने, जो रूट, केन विलियमसन, फवाद आलम, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, कैल जेमिनसन, हसन अली, शाहीन अफरीदी को चुना गया था। इसी के साथ वनडे क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ICC के द्वारा ICC मेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर के रूप में टीम में चुना जाता है। ICC के द्वारा 2021 में ICC मेंस वनडे टीम में पॉल स्टिरलिंग, जानेमन बलान, बाबर आजम, फगर जमान, राशिद वंडरडुसेन, साकिब अल हसन, मुस्तफिकुर रहीम, वलनिंदु हजरंगा, मुस्तफिजुर रहमान, सिमी सिंह, दुष्मंदा शमीरा को चुना गया है। इसी के साथ वुमेन में ICC वनडे टीम ऑफ द ईयर में लीजे ली, एलिसा हेली, टेमी ब्यूमोंट, मिथाली राज, हैदर नाइट, हेली मैथ्यूज, मरी जाने कांप, सबनेम इस्मेल, फातिमा साना, झूलन गोस्वामी और अमीशा मोहम्मद को चुना गया है। इसी के साथ T20 क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ICC के द्वारा ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के रूप में टीम में चुना जाता है। ICC के द्वारा 2021 में ICC मेंस T20 टीम में जॉस बटलर, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, एडम मार्करम, मिचेल मार्श, डेविड मिलर, शमसी, जॉस हेजलवुड, वनिंदु हसरंगा, मुस्तफिकुर रहमान, शाहीन अफरीदी जैसे खिलाड़ियों को T20 टीम में चुना गया है। इसी के साथ ICC वुमेन्स T20 टीम ऑफ द ईयर के रूप में स्मृति मंधाना, टेमी ब्यूमोंट, डेनियल वाइट, गेबी लेविस, नताली सीवर, एमी जॉनसन, लॉरा वोलवार्ट, मरी जाने काप, सोफी स्केलेस्टोन, लॉरेन वॉरी, सबनम इस्मेल जैसे खिलाड़ियों को T20 टीम ऑफ द ईयर के रूप में ICC ने चुना है। इसी के साथ ICC स्प्रेड ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड न्यूजीलैंड के डेरी मिचेल को दिया गया है। ऐसी क्रिकेट के छोटे छोटे अपडेट के लिए आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।